हम छोटे थे तो हमको स्टंट करना बहुत पसंद था, और स्पाइडरमैन के कार्टून सब में भी देखे थे कि ये लोग ऐसे स्टंट कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम खुद से ही ट्राई किए और थोड़ा बहुत चढ़ लेते थे। मम्मी पापा डांटते भी थे कि मत चढ़ो गिर जाओगे, फिर भी ऊपर तक चढ़ जाते थे। जब मम्मी पापा नहीं रहते थे घर में फिर भी खुद से ही ट्राई करके चढ़ते थे, और एक दिन हम पूरा ऊपर तक चढ़ गए, फिर मम्मी पापा को बुला के दिखाया। तो अपने से ये सब सारा कुछ? हाँ, खुद से ही सीखे हैं। इतना अच्छा लगता है कि तुम ये चढ़ रहे हो, पिलर चढ़ रहे हो स्पाइडरमैन की तरह? अच्छा लगता है, और लंबा होता तो और लंबा भी चढ़ लेते हैं। और लंबा भी चढ़ लेते? हाँ। कितना पिलर, अभी कितने इंच के पिलर पर चढ़ रहा है? 12 फीट का है। 12 फीट का? हाँ। डर भी लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। कितने साल से कर रही हो? छोटे ही थे, 5 या 6 साल के, तब से कर रहे हैं। स्कूल में लोग जानते हैं इसको? नहीं, मेरी क्लोज फ्रेंड लोग ही ज़्यादा जानती हैं, और कोई नहीं जानता है। आगे और क्या करने का तमन्ना? माउंटेन क्लाइंबिंग करने का मन करता है। करता है? हाँ, ट्रेनिंग मिलेगा तो करेंगे। नाम बताओ, क्या नाम है आपका? अक्षिता गुप्ता। कितने साल के हैं आप? 11। दीदी करती थी तो दीदी से इंस्पायर हुए, दीदी चढ़ती थी तो देखते थे तो फिर हम भी ट्राई किए, डांट भी पड़ता था फिर चढ़ गए एक बार। तो तुम भी दीदी से सीखी होगी? हाँ। डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता है डर। और मोहल्ले में सब कुछ जानता है किसको? हाँ, कुछ लोग जानते ही है। अच्छा, क्या आगे क्या सोची हो तुम? क्योंकि दीदी को मन है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ा तुम्हारा? हमको डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नहीं, उतना नहीं, ज़्यादातर एंकरिंग में मज़ा आता है। अच्छा, और क्या क्या तुम करती हो स्कूल? और स्कूल में स्टोरी टेलिंग सब में लेते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 4th क्लास में। नहीं, पहले डांटते थे, अब नहीं बोलते हैं। नाम बताओ। कृपिता गुप्ता। कितने साल के हो? 9 साल। बड़ी बेटी हमारी जैसे कि जब जन्म उसका हुआ तो 1.5 महीना के बाद ही पैर पलटने लगी। जनरली 5-6 महीना के बाद बच्चे हैं ना, पैर मारते हैं, हाथ मारते हैं। तो हम लोग थोड़ा आश्चर्य किए कि मम्मी ज़्यादा आश्चर्य की, फिर तेल मालिश बच्चे को जो मम्मी लोग करती है बचपन में, तो बचपन से ही हाथ पैर मारती थी वो। तो लोग भी मोहल्ले टोले कहते थे कि इतनी छोटी है और हाथ पैर मार रही है। हम लोग इसको नॉर्मल माने, जो फिर रेगुलर अपना हम लोग जैसे लाइफ चल रहा था। अब जब ये 3 साल की तकरीबन हुई तो इस पर ऐसे थे हाथ रख के पिलर पर चढ़ने का प्रयास किए। 1-2 बार हम लोग मना भी किए, बच्ची चोट लग जाएगा, अब हम नहीं हैं तो पीछे में चढ़ने लगी, मैंने ये हमारे पीछे भी चढ़ने का प्रयास करती रही। फिर हमारे मित्र भी बोले कि भाई एक दिन घर में आए कि बेटी चढ़ रही, हम उसको मना कर रहे फ्रेंड के सामने, तो बोले कि चढ़ने तो देखो क्या कर सकती है। तो हमारा फ्रेंड ही उसको प्रमोट किया कि जाओ बेटा कहाँ से चढ़ सकती हो, तो देखिए उस दिन वो सीलिंग टच कर दी। तो हम लोग को आश्चर्य हुआ, और ये तकरीबन 5 साल से नीचे की उम्र से ही चढ़ रही, उसका भी हम वीडियो क्लिप आप देखे होंगे। और उसके बाद ये कंटिन्यू प्रैक्टिस होने लगा। उस समय जब ये 6 साल की तकरीबन हुई तो बहुत लोग इसे मिलने के लिए आए, इसका पोस्ट हम लोग सोशल मीडिया पर डाले थे तो बहुत लोग देखने आए। फिर कुछ लोग हमारे परिचित के बाहर से भी आए देखने के लिए, आप लोग इसको आगे प्रमोट कीजिए। फिर ऐसा माध्यम हम लोग को उस समय नहीं मिल पाया, फिर पढ़ाई लिखाई बच्चे का नॉर्मल लाइफ हम लोग जीने लगे। अभी 1 मार्च को हम लोग जब बाहर शिवरात्रि में गए तो वहाँ किसी अदर मैंने कि थ्रू मैंने हम लोग को लगा कि ये लोग को अब आगे लिंक मिल आगे करना चाहिए। डर तो शुरू में लगा सर कि बच्ची है जो हम लोग कि माता पिता हैं, कुछ चोट लग जाएगा, बाद में दिक्कत ना हो बच्चियों को। जैसे मेरी बड़ी बेटी बाई बर्थ ही सबसे अलग थी, जैसे जनरली हर बच्चे 3 महीने में पलटते हैं, जो पहला पलटी जिसे बोलते हैं मारना, मेरी बेटी 1.5 महीने की थी तो पलट गई थी। तो ये चीज़ सबसे पहला आश्चर्यजनक चीज़ जो हम लोग के साथ हुआ, इसके बारे में हम लोग अपने पूरे फैमिली फ्रेंड में शेयर किए तो बोले कि कुछ कुछ बच्चा बाई बर्थ ही कुछ अलग होते हैं। फिर है कि चलना बोलना सब कुछ बहुत जल्दी की। फिर हमारे घर में है कि जैसे कोई ऊंची चीज़ होता था दीवार या ग्रिल, जैसे पिलर हो गया, ग्रेनाइट, पिछलन वाला चीज़, ये सब चीज़ पे वो चढ़ने की कोशिश करती थी, और बहुत आधा चढ़ती थी फिर छिपकली के तरह चिपक जाती थी उस पे, और जैसे आए तो वहीं रुक जाती थी।
लगता था कि मम्मी डांटेगी, फिर बोलते थे उतरो तो उतर जाती थी। ऐसे ही करते करते हर दिन उसका एक एक कदम आगे ऊपर तक बढ़ते चला गया। फिर जब मना करते थे बहुत दिन डांट लगाए कि कहीं ऊपर से स्लिप हो गई गिर जाओगी, तो बोलती थी नहीं चढ़ेंगे, लेकिन लगा कि अब मम्मी नहीं चढ़ने देगी तो हम लोगों के पीछे में चढ़ती थी। और फिर एक दिन अचानक से देखे कि काफ़ी ऊपर तक पहुंच के सीलिंग टच की और फिर वो रिवॉल्व कर रही थी पिलर के चारों ओर। तो बोला कि बेटा कैसे चढ़ी तुम, तो हंसने लगी। हम बोले आराम से उतरो जैसे चढ़ी थी। और फिर बोली, पूछे उसको कि मेरे सामने अब चढ़ के दिखाओ कि तुम चढ़ी कैसे, तो पूरा वो दिखाई कि आराम से एकदम ऊपर तक चढ़ गई। तब से फिर हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है, ऐसे चढ़ जा रही है। और बाई माइंड भी ये काफ़ी शार्प थी, कोई भी चीज़ है एकदम सबसे हटके करती थी। इसी तरह मेरी छोटी बेटी है, तो वो भी अपनी दीदी को देख के बहुत इंस्पायर्ड हुई, फिर वो भी पिलर पे चढ़ना सीखने लगी। तो वो भी धीरे धीरे करते करते दीदी से सीखते सीखते वो भी चढ़ने लगी। और छोटी बेटी है, इसको पूजा पाठ ये सब चीज़ में ज़्यादा मन लगता है। शिव जी का, भगवान शिव जी का बहुत बड़ी भक्त है ये। शिव स्तुति जो संस्कृत में 56 लाइन का श्लोक है, इसे पूरा कंठस्थ याद है। तो पूछती है कि ये मंत्र गाने से क्या होता है, तो बताया कि हमारे पूजा ये सब में है कि रावण ने यह मंत्र का उच्चारण किया था भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए, तो इसे लगता है कि हम भी गा के और शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे। तब से ये छोटी सी थी, तब से है कि ये मंत्र पूरा गुनगुनाती है। और बड़ी बेटी का मेरा मन है कि वो माउंटेन क्लाइंब करे, उसे ट्रेनिंग लेने का मन है। तो हम लोग अभी पता कर रहे हैं कि हमारे बिहार में अपने शहर में कहीं भी कोई अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर मिले, जैसे इस तरीके का बच्चा को जहाँ क्लाइंबिंग का शौक है, उन लोगों को अगर कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो ये आगे प्रमोट हो सके। माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने का इसका सपना है। कितना प्राउड फील करती है, बहुत ही प्राउड फील होता है, दोनों बेटी है। लेकिन एज अ फ्रेंड है हम लोग का, हर चीज़ में हम लोगों को सजेस्ट करती है, पापा को बिजनेस में या फिर हमको घर के कामों में, क्या पहनना है, कैसे बात करना है, क्या अच्छा है, कल्चर कैसा होना चाहिए हमें किसी चीज़ पे। जैसे अभी ये सब मैं बोल रही हूँ कैमरा के थ्रू, सब बहुत लोग हमें देख रहे होंगे, लेकिन मेरी बेटी का कहना है कि मम्मी इससे हम बड़े नहीं हो जाएंगे, हमें प्राउड फील नहीं करना, अभी बहुत कुछ करना है। कि छोटी सी चीज़ है, जिस दिन मैं और इससे ऊंचाई पे चढ़ जाऊँगी तब लगेगा मैंने कुछ कर दिखाया। कभी कभी तो डर लगता होगा? जी नहीं, अब डर नहीं लगता।